हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न पहचानने के लिए या बढ़ते क्रम या घटते क्रम, यानी एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। और इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि आप सेकंडों में कैसे बनाएंगे। इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा उलझ जाते होंगे, लेकिन बहुत ही प्रश्न ईजी रहता है, उसको हम लोग कैसे सैकड़ों में सोल्व करेंगे, इसी पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इसको बारीकी से पढ़ें। और देखिए, इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा आपको टाइम ज़्यादा लगता होगा, इसलिए बारीकी से समझना ही नहीं, समझना है कि आप जानते होंगे पहले से, हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक्स जो हम आपको ट्रिक्स देंगे उस मेथड से आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से बनाएं। तो सबसे पहले पढ़िए, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, आपको छोटा बताना है। तो देखिए, निम्न भिन्न दे दिया गया इस तरीका से, चार भिन्न दिया गया, सेम इसी को ऑप्शन में भी दिया जाता है, पेपर में इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए कितना, 25 बटा कितना दिया है, 31, ठीक है। 11 बटा कितना दिया है आपको, 14, और 15 बटा दिया गया है 19, और इसी तरह से 41 बटा दिया गया है कितना, 53। अब देखिए दोनों में देखना है कि अंतर कितना का है, डिफरेंस कितना का है। तो 25 और 31 में दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 होगा, ठीक है। 11 और 14 दोनों के बीच के अंतर कितना होगा, यानी कि इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 3। अब इस दोनों के अंतर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, तो अंतर जो होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें होगा 4। अब देखिए इसमें अगर पूछा जाए कि 41 और 53 का अंतर कितना डिफरेंस दोनों का होगा, 12। अब देखिए क्या करना है, इसको इस तरीका से समझिए, ठीक है। जो अंतर होगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है, उससे भाग देते हैं, समझना है। अब देखिए 11 बटा कितना हो जाएगा आपको, 13, अंश के लिख देना है, जो डिफरेंस होगा उसको नीचे, बारीकी से समझते चलिए, ठीक है। 15 बटा कितना आप लिखिएगा, 4। इसी तरह से इसमें 41 बटा कितना बताइएगा, लिखिएगा 12। अब एक नियम यहाँ आता क्या है, इसमें हम लोग डिवाइड करते, ठीक है, अगर भाग भी देते तो आपका पॉइंट में जाता, कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो यहाँ अब क्या करना है कि नीचे वाला जो भी हर में दिया हुआ है संख्या, उसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा 6 के, 3 के, 4 के और 12 का। एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 12 ही आएगा। अब सब में क्या करना है आपको, 12 से गुना कर देना है, ठीक है। अब 12 से जैसे ही इंटू कीजिएगा तो कितना बार में, 2 बार में। अब इसमें इंटू कर दीजिए, 25 दुना कितना हो चलाएगा, 50, ठीक है। इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 4 बार में। तो 11 को कितना हो गया, 44। इसी तरह से इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में। तो 15 3 45, समझ रहे होंगे। इसी तरह से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलेगा, 41। अब इसमें आप आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए 50 है, 44 है, 45 है, 41 था। सबसे छोटा कौन है आपका, 41। और 41 किसका रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट किसका करता है, 41 बटा कितना, 53 का। तो 41 बटा 53 ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का हो जाएगा, डी। इस तरीका से जब भी करना है तो पेपर में ऐसे करें, ठीक है। इसमें और होता है एक टाइप जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, सेम उसी टाइप का है, आपको हम प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, और जो लोग फर्स्ट बार नहीं समझ पाए उन लोगों के लिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे तो इससे भी आसान आपको मिलेगा, जो आप प्रश्न को देखते ही यहीं से सेकंडों में बना लीजिएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को भी एक बार आप समझ लीजिए। अब देखिए, नीचे लिखना नहीं है, जब भी पेपर में देखें तो इसी तरीका से ऊपर से ही आपको सोल्व कर लेना है। देखिए करना क्या है, दोनों के डिफरेंस देखिए, तो 51 बटा कितना है 57, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 6। तो 51 बटा आप कितना कर दीजिएगा, 6, ठीक है। पेपर में करना है तो ये कितना है, 23 बटा 26 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 23 में से और 26 का, तो 3। तो इसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, फिर इसमें कितना, 31 बटा 35 का डिफरेंस कितना है, तो 4 का। तो 31 बटा कितना लिखेंगे हम लोग, 4, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, 12 का होगा ना, 89 और 101 है,
अब देखिए इसको क्या करना है, बोले कि यहां से अगर आप ले एलसीएम, आप और तरीका से जानते होंगे लेकिन इस तरीका से बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी कितना आपका आएगा, 12 ही आएगा। तो सम में कितना से गुना कर देना है, 12 से, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से, आप मौखिक कीजिएगा, ठीक है। अब 12 से तक कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार में। अब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही कितना हो गया, 102। ये कितना बार में एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार में। तो 2300 को आप जानते हैं 52, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 3। तो 31 दिया जानते हैं आप, 93, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 89, ठीक है। अब देखिए आपको जो पूछा है तो पूछा है इसमें भी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितना है, 89 है, ठीक है। अब 89 किसका रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका रिप्रेजेंट करता है, जिसके सामने होगा वही होगा। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा 89 यानी कितना हो जाएगा, 89/101 यानी कि 101, ठीक है। तो डी नंबर हो जाएगा। आप अब ऐसे भी तिरछा तिरछी गुना क्रॉस भी करके निकालते होंगे तो इस टाइप से नहीं, पॉइंट में आप भाग देते होंगे, तो इस तरीका से निकालें तो आपका पेपर में क्या हो जाएगा, आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए और इसी से रिलेटेड जो प्रश्न हम लोग देखेंगे और इंटरेस्टेड है, जिसको आप सेकंडों में बना सकते। इस प्रश्न को देखिए, सेम आपको उसी टाइप का लग रहा है लेकिन आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको उसी तरह से दिया गया प्रश्न कि निम्न भिन्न में कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। छोटी पूछे, बड़ी पूछे, हम लोग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए कितना है, 93/95 है, 97/99 है, 85/ कितना है, 87 है, 91/ कितना है, 93 है, इस टाइप के प्रश्न। अब देखिए दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में यहाँ भी देखिए तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2। यहाँ भी देखिए 2। जब सब में 2-2 का अंतर हो जाएगा तो जो भी संख्या अगर सेम अंतर डिफरेंस चलाए तो जो संख्या सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं, यानी कि समझ लीजिए कैसे हम बोले, बहुत लोग नहीं समझ, ये बोले कि कितना, 93/ कितना चलाएगा, 2, ठीक है। 97/ आपका भी कितना चलाएगा, 2। इसी तरह से 85/ कितना चलाएगा, 2, ठीक है। 91/ कितना आपका चलाएगा, 2, ठीक है। अब 91/2 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2, 2, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, और सब में इंटू कीजिएगा कितना से, 2, 2 से, तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। सब में एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा, 2, और सब में 2 से इंटू कीजिए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना चलाएगा, 93। पेपर में करना नहीं है, जब आपको डिफरेंस सब जगह समान लगे तो ऊपर वाला के ही देख के आप बता दीजिए अंश को कि सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो ये कितना चलाएगा, 97, ये कितना चलाएगा, 85, ये कितना चलाएगा आपका, 91, ठीक है। कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत ना रहेगा पेपर में वहाँ पे। अब देखिए सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा कितना है, 85, तो 85 का ऑप्शन नंबर कितना है, 85/ कितना है, 87, हम लोग का कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही आपसे सबसे बड़ा पूछता तो बड़ा कितना है, 97, तो 97 कितना है, 97/99 है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी हो जाता। अब इसी को बढ़ते क्रम में भी पूछता था, आप बढ़ते क्रम में एक सरिया ले सकते थे, सजा ले सकते थे, ठीक है, सरियाना यानी सजाना, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे आपको पूछे इस टाइप के प्रश्न आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, जो हमेशा जो पूछा जाता है आपको टफ लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में बना सकते थे। इस प्रश्न को आप देखिए, इस प्रश्न को देखते ही आप पेपर में उलझ जाइएगा कि कैसे बनाए, लेकिन मेरे साथ बने हुए रहे, कैसे बनाएंगे सेकंडों में। तो देखिए दिया गया है क्या, इसमें भी बड़ा ही चुनना है, तो 2 के पावर कितना है, 60 है, 3 के पावर 48 है, 4 के पावर 36 है, 5 के पावर 24 है, सबसे बड़ा कौन है इसमें आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न जब भी बनाना होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, इसको पहले समझिए। प्रश्न को यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 60, ठीक है, 3 के पावर कितना 48, 4 के पावर कितना है 36 और 5 का पावर कितना है 24 दिया गया है इस तरीका। अब देखिए इसको इस तरीका से भी लिखते हैं, तरीका समझिए कैसे लिखेंगे, जब समझिएगा तभी आप दिमाग लगाना शुरू कीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5, और लिख सकते हैं कितना, 12, तब 12 पचे कितना चलाया, 60, समझ आए होंगे मेरे ख्याल से आप। अब इसी तरह से इसको भी देखिए, 3 है, अब कितना लाना है हम लोग के, यहाँ भी 12 हर बार लाना होगा, तो 3 के पावर कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 के पावर अगर हम लोग 3 कीजिएगा तो 16 48 हो जाएगा, तो 16 तक 3 के पावर यहाँ कितना कर दीजिए आप, 4 कर दीजिए, तो 4 कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12, बच्चों को कितना हो गया, 48, समझते चलिएगा।
यहां देखिए 36 दे दिया गया है, तो 36 दे दिया गया है, तो 4 के पावर कितना आप कीजिएगा, तो 4 के पावर 3 कीजिएगा और फिर कितना लिख सकते हैं 12, इसमें इसमें इंटू हो जाता है, पहले से भी जानते होंगे 12 तिया कितना हो जाएगा 36, समझते चलिएगा। यहां भी अब तो समझ में आ रहा होगा 5 के पावर कितना कर देंगे 2 और इसका ऑल पावर कितना हो जाएगा 12, तना होगा 12 दूना 24, मेरे ख्याल से समझ गए। तो पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे सजा लेना। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अब इसका अगर 2 के पावर अगर करते हैं हम लोग 5 5 5 इस तरीका से, ठीक है, तो कितना चलाता है 32, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 32, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 दूना 16 16 दूना कितना हो गया 32, ठीक है, तो 32 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ 12, समझते चलिए। अब 3 के पावर कितना है 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा 81, ठीक है, इसका पावर हो गया 12, ठीक है। इसी तरह से अगर कितना है 4 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 64, आप जान रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से 5 के पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 और इसका पावर कितना हो गया 12। अब देखिए सम में पावर कितना आपका चलाया 12 12 12, यानी कि इसको 12 12 बार सब लिखिएगा। तो अब जो हम लोग क्या गया कि जो संख्या सबसे बड़ा है वही क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा है वही संख्या क्या होगा छोटा होगा। तो अब देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कितना है 81, ठीक है, 81 है, 81 रिप्रेजेंट किसका कर रहा है, तो 3 के पावर कितना का कर रहा है 48 का। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी होगा, होगा ना। अब इसी तरह से आपसे अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन होगा, तो देखिए क्या है 25 है, 25 के पावर कितना है 12, यानी कि 5 के पावर वाला सबसे क्या होगा आपका छोटा होगा। वैसे अगर आप पेपर में देखते तो देखिए यहाँ 5 के पावर लग रहा है 24, तक संख्या के देखते तो लगता कि सबसे बड़ा यही है, लेकिन ऐसा नहीं, इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे बनाए आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए, कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।